यूसुफ है, मेरा कराची से ताल्लुक है, मैं राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन हूँ, मेरी उम्र 20 साल है। सबसे पहले मैंने क्रिकेट का जो आगाज़ किया था वो अंडर 17 से आगाज़ किया था, जो जोनल कराची में हुई थी, मैंने जोन 1 को रिप्रेजेंट किया था। उधर से मैंने बेस्ट बैट्समैन बना था, मैंने 550 रन किए थे, इसमें 3 सेंचुरी थी, एक फाइनल में सेंचुरी थी जो मैच विनिंग साबित हुई थी, और मैं मैन ऑफ द फाइनल बना था और बेस्ट बैट्समैन भी बना था उसके अंदर। यादगार इनिंग थी जिसमें मैं डेब्यू में मैंने 135 रन किए थे, जो मेरा डेब्यू था, तो बड़ी खुशी हुई थी कि इतनी बड़ी टीम में अब कराची के लिए खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डेब्यू में मैंने सेंचुरी करी, तो प्राउड मोमेंट था मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए। सिंध की टीम में जगह बनाना इस सीज़न में तो एक बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए। अभी जो टीम देखे तो आधी टेस्ट टीम खेल ली है, आबिद अली हो गए, सरफराज हो गए, असद शफीक हो गए, सोहेल खान, अनवर अली, तो इनके साथ जगह बनाना, उनके साथ रूम शेयर करना, ये भी एक ऑनर प्रिविलेज है हमारे लिए। तो ओपनिंग करना इतने बड़े प्लेयर के साथ, तो ये मुझे भी बहुत बूस्ट अप किया है कि मुझे उन्होंने यकीन रखा, मेरे कोचेस ने तो मुझे ओपन कराई, वन डाउन भी अगर आबिद अली भी आ गए तो मुझे वन डाउन कराई, खुरम मंजूर आबिद अली ओपनर आते थे, मैं वन डाउन जा रहा था, तो बड़ी खुशी होती है कि इतनी बड़ी टीम में मैंने जगह बनाई और इतने कॉम्पिटिशन क्रिकेट में मैंने इन बॉलर को अगेंस्ट भी मैंने रन बनाए। जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किए तो मैंने मोहम्मद यूसुफ को ही शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मैच उन्होंने जीता है, काफ़ी रन किए, तो मेरा वही आइडल है। अभी बांग्लादेश जाने से पहले, एशिया कप शुरू होने से पहले हमारा 3 दिन का कैंप लगा था, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें मिली, काफ़ी चीज़ें सीखी इसके अंदर हमने, क्योंकि हमारे पास जो एलीट कोचेस है अवेलेबल है हमारे पास, जैसे इजाज़ भाई है जो हमारे हेड कोच है, वो और बैट्समैन भी है, तो मैं एज अ बैट्समैन मुझे काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई और काफ़ी चीज़ें हेल्प भी करी मुझे अपने बैटिंग में, काफ़ी चीज़ें अप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि अपने पाकिस्तान के लिए खेलूँगा।